पता है इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कब मिलती है? जब वो गलत इंसान से अपनी ज़िंदगी की सारी उम्मीदें जोड़ लेता है। दिल इतनी मोहब्बतें पा कर भी उसे एक मोहब्बत के लिए तड़पता है जो हासिल नहीं। वो एक ला हासिल मोहब्बत जाने क्यों सब मोहब्बतों पे हावी होती है। अगर कोई शख्स आपसे मोहब्बत कर ही बैठा है तो उसको रुलाने से गुरेज करें, क्योंकि इसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि कतरा कतरा करके आपकी मोहब्बत बहती है। रात पहली बार मैंने अपने लिए दुआ की कि मेरा दिल पत्थर का हो जाए ताकि मैं कभी किसी की झूठी मोहब्बत पर यकीन ना कर सकूं। मोहब्बत पहली, दूसरी, तीसरी नहीं होती। मोहब्बत तो वो होती है जिसके बाद मोहब्बत ना हो। मोहब्बत में मुब्तला होना दुनिया का खूबसूरत तरीन एहसास है, मगर ये उतना ही भयानक भी है। अगर किसी गलत शख्स की मोहब्बत में मुब्तला हो जाए, एक डिप्रेस्ड इंसान के लिए हर नसीहत और तसल्ली बेकार है। अगर कोई चीज़ सहारा दे सकती है तो वो है मन पसंद शख्स का इसके साथ रहना। ज़िंदगी रोज़ कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि इंसानों से तवक्कुआत कम से कम रखें और ऊपर जो ज़ात है इस पर तवक्कल रखें। तुम रब का बनकर देखो, वो हर किसी को तुम्हारा ना बना दे तो कहना। और जब अल्लाह तुम्हारे दिल से किसी चीज़ का ख्याल नहीं निकालता तो उस चीज़ को तुम्हारी हकीकत बना देता है। किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़राब करना एक कर्ज़ है जो एक ना एक दिन आपकी बेटी को अपनी ज़िंदगी से अदा करना पड़ता है। बिना आवाज़ के रोना बड़ा दर्दनाक होता है। अल्लाह तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है तुम्हारी दुआओं को नहीं, वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक लाता है। वो रास्ते भी दिखाता है, वो असबाब भी बनाता है, वो मान भी जाता है और फिर मुझसे भी दिखाता है। बस नामुमकिनात लम्हों में भी दुआ मांगते रहें, क्योंकि यकीन रखने वालों को वो कभी खाली हाथ वापस नहीं मोड़ता। सबसे खूबसूरत एहसास ये है कि वो दुआ हकीकत बन जाए जो आप और अल्लाह के दरमियान राज थी। अल्लाह तुम्हारी ज़बान को मांगने की हिम्मत तब देता है जब वो तुम्हारी दुआओं पर राज़ी होना चाहता है।